असलम एंड वेलकम टू द चैनल स्कूल ऑफ थाट आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें कमेंट आप ना सिर्फ इस वीडियो के मतलब करें बल्कि उन तमाम टॉपिक्स पर करें जो आप देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो चलो शुरू करते हैं वीडियो ऐसे को डिस्कस करने से पहले चंद चीज़ें मैं आपको बहुत कन्फर्म कर दूँ वो ये हैं कि ये ऐसे दो के एंड पे लिखे गए हैं 2019 की उन्नीस अटैम्प्ट और 20 की अटैम्प्ट तक ये चल सकते थे लेकिन अब आने वाली अटैम्प 2021 की है तो आपको इसके अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स या जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको अपडेट करनी चाहिए वो आप लाजमी करें जहाँ तक बुक्स का सवाल है बुक्स में जो ऐसे लिखे हुए हैं वो दो हज़ार पाँच छः तक इवन जो लेटेस्ट ऐसेज आपको मिलते हैं वो दो के मिलते हैं और वो भी एक बुक से कॉपी करके दूसरी में लिखे होते हैं पैसेज यहाँ से वहाँ जस्ट ये होता है उसमें बुक्स जरूरी थी सिर्फ इसलिए हैं कि आप उनसे एक दफ़ा एक आइडिया ले सकें एवरेज टाइम एक ऐसे को पढ़ने में और समझने में 45 मिनट लगते हैं ये वीडियो एक घंटे की होगी तकरीबन लेकिन आपको फ़ायदा देगी तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आएगा इंट्रोडक्शन के हमारा टॉपिक है किस मुतल वही मैंने जैसे आपको बताया जनरल टू स्पेसिफिक स्टार्ट ले लें ले या आप स्पेसिफिक स्टार्ट ले लें नेक्स्ट होगा अंडरस्टैंडिंग द इकानमी इकानमी लफ्ज़ क्या चीज़ है या क्या होती है इकॉनॉमी उसे हम डिस्कस करेंगे वॉट इज इकोनॉमी में नेक्स्ट पॉइंट हमारे होगा उसी इकोनॉमी में जो क्राइसिस हैं क्राइसिस टू विच पाकिस्तान इज पेस्ड विद इकोनॉमिक क्राइसिस कौन से हैं पाकिस्तान के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स फॉर द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन होंगे जो कि हम डिस्कस करेंगे उनको डिस्कस करने के बाद एक ब्रीफ डिस्कशन के बाद हम उनकी एक्सप्लेनेशन देंगे हर उस फैक्ट एंड फिगर की जो हमने मैंशन की होगी जो फैक्ट एंड फिगर हमने मैंशन किए हैं वो ये हैं नंबर वन करंट अकाउंट डेफिसिट नंबर टू एक्सटर्नल डेट्स नंबर थ्री फॉरन एक्सचेंज रिजर्व सर्कुलर डेट्स फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन्फ्लेशन और डप्रिस ऑफ रुपीज ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने अपनी फैक्ट्स एंड फिगर्स में लिखी हैं और इनको हम एक्सप्ल करेंगे यहाँ तक हम ये चीज़ बता चुके हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस हैं लेकिन अब हम ये बताएंगे कि पाकिस्तान इन इकोनॉमिक क्राइसिस में आया किस तरह हाउ पाकिस्तान हैज फॉलन दिस इकोनॉमिक क्राइसिस पहला पॉइंट होगा इसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स टेल ऑफ सेवन इसमें हम जो सत्तर दुहाइयों की करप्शन की गई या जो कुछ भी हुक्मरानों ने किया वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट होगा कंपैरिजन ऑफ अ डिकेड विद सिक्स डिकेड इसमें 2000 हजार uh, नाइनटीन से लेके 2008 तक का एक डिस्कशन होगा उसके बाद 2008 से लेके 2018 तक का एक डिस्कशन होगा वो कंपैरिजन हम देंगे नेक्स्ट पॉइंट होगा कैंसर ऑफ करप्शन नेवर ट्रीटेड सोशल फैक्टर्स होंगे उसके बाद सोशल फैक्टर्स में पहला पॉइंट होगा एम्प्लॉयड पार्लियामेंटेरियंस वर्सेज अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हमारे यहाँ पे गुरबत अफलास बहुत ज़्यादा है और जो अमीर लोग हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है ये भी एक वजह है हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस की नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इकोनॉमिक फैक्टर्स इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारी इनफिशेंसी इन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एफ बी आर क्या अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इन जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं इनमें से पाकिस्तान निकल किस तरह सकता है या पाकिस्तान क्या कामयाब हो सकता है इनमें से निकलने में कैन पाकिस्तान प्रॉस्पर हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी चाहिए अवॉइड लोन्स अटेन एड्स बाय रिड्यूसिंग इम्पोर्ट्स एंड इनकरेजिंग एक्सपोर्ट्स नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लॉन्ग टर्म प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हम एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स करेंगे फिर इंस्टीट्यूशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल वो होगी उसके बाद हमारे पास होगा इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी और उसके बाद एंड पे हमारे पास आ जाएगा कंक्लूजन ये एक इसकी आउटलाइन हो गई अब नेक्स्ट हम इसका डिस्कस करने वाले हैं पूरा ऐसे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बताया है कि आपने कोई होक सेंटेंस देखना है लेकिन अगर आपको कोई आयत कोट सेंग वगैरह नहीं मिल रही तो आप अपने जनरल टू स्पेसिफिक स्टार्ट में कोई ऐसी बात करके अपने ऐसे को स्पेसिफिक की तरफ ले जा सकते हैं जो कि एग्जामिनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले जैसे कि मैंने इस ऐसे में किया हुआ है अ पर्सन हंग्री एंड होमलेस टू विल गो फॉरवर्ड टू हिज हंगर फर्स्ट एंड विल देन फाइंड अर टू स्टे इन इट्स अ रियलिटी दैट सेफाइंग हंगर इज मोर एन इंपॉर्टेंट नीड एंड गेटिंग अ शेल्टर वॉट इफ द बेसिक नीड ऑफ फूड इज फॉर गोन ऑन द कास्ट ऑफ दैट इज वाई बिकॉज फूड इज अ प्राइमरी नीड डिमांड एंड शेल्टर इज सेकेंडरी एंड द मनी दैट इज अवेलेबल फॉर वन रिक्विजिट इज नाउ being spent on satisfying the secondary need. बात मुख्तर इतनी है कि एक बंदे के पास भूख भी है और उसके पास छत भी नहीं है रहने को तो पैसे भी थोड़े हैं अगर वो अपनी भूख मिटाने की बजाय कोई छत ले लेगा तो वो मर जाएगा भूख से ही तो यही होता है उन नेशंस के साथ जो कि अपनी प्राइमरी नीड्स को साइड पे रख के सेकेंडरी नीड्स को इंपॉर्टेंस देते हैं सिमिलरली एनी नेशन दैट स्पेंड्स ऑन इट्स सेकेंडरी नीड्स

ये मेन क्रक्स भी रहेगा कि हम इस ऐसे को किस तरह समझाने वाले हैं द फर्स्ट क्वेश्चन रिक्वायर्स अ सम डिटेल आंसर बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इकोनॉमी एंड दैट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इज नेसेसरी पैरा वन है हमारे पास वॉट इज इकोनॉमी इकोनॉमी है क्या पहले उसको डिस्कस करेंगे इकोनॉमी टू द स्टेट इज लाइक अ हार्ट टू द बॉडी एंड इंजन टू द ये फिर आप देखें ये भी एक जनरल बात है नीदर कैन अ बॉडी मूव विदाउट हार्ट नॉर कैन दोबिल वर्क विदाउट एन इंजन द इकोमीज देंशियल हेल्थ ऑफ एनी नेशन एंड कंजम्पन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ मनी बाई केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्स इट्स स्ट्रेंथ इज यूजली मैर्ड बाई जी डी पी आगे उसकी एक्सपोजिशन मैंने इसको हाईलाइट इसीलिए किया हुआ है और अगर आप ऊपर वाले टेक्स को देखें तो ये भी डिस्क्रिप्शन ही है एक किस्म की अब नेक्स्ट जो अंडरलाइन है इसमें थ्री मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन अ कंट्री दैट आर अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फोर्थ फैक्टर दैट हैज़ बिकम इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज द अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज नॉट ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अब इस सारे टेक्स्ट के अंदर आप देख रहे हैं जनरल बात भी है एक्सपोजिशन भी है वो चीज़ें भी हैं जो कि एक इकोनॉमिक चलाने के लिए चाहिए होती हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कैपिटल वो सारी चीज़ें हैं और हम इन सारों में लैक कर रहे हैं क्लेम हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट ऑन द पाथ ऑफ इकनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात की गई थी जब ऐसे को ऐसे की मैंने सीरीज स्टार्ट की थी कि आपका ऑर्गेनाइज ऐसे होना है अब ये लाइन और आप नेक्स्ट पैसेज की फर्स्ट लाइन देखिएगा पैराटू है हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स फॉर द करेंट इकनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान इज़ अंडर ग्रेव इकोनॉमिक कंडीशन पहले मैंशन ये किया गया था कि पाकिस्तान इज़ नॉट ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी अब यहाँ पर मैंशन किया गया है पाकिस्तान इज़ अंडर ग्रेव इकोनॉमिक कंडीशन एक ही बात है लेकिन सिर्फ ये उसको कोहैरेंट बनाने के लिए जहाँ पे आपने पैसे छोड़ा वहीं से नेक्स्ट बात करके उसे फर्दर चलाना है द इनकबेंट प्राइम मिनिस्टर इज़ विजिटिंग वन कंट्री आफ्टर अनदर टू अटेन फाइनेंशियल हेल्प इन फॉर्म ऑफ एड और लोन ये डिस्क्रिप्शन है उस वक्त इमरान खान साहब एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे थे 2018 में जब हुकूमत बदली थी अ विज़िट टू सऊदी अरेबिया फॉलोड बाय अ विजिट टू मलेशिया इंटरनेशनली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ इसकी एक्सपोजिशन आ जाएगी यहाँ पे वो सारा एक्सपोजिशन नि निकलने के बाद हमारा पैसे स्टार्ट हो रहा है अप्रोच टू एंड दे हैव पेड अ फॉर्मल विजिट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग नवंबर टू थाउजेंड एटीन वाट फोर किस लिए आए थे वो इस पैसेज में यही समझाया गया कि हमारी मौशी हालात ख़राब हैं इमरान खान साहब कभी एक मुल्क कभी दूसरे मुल्क कभी आईएमएफ के पास जा रहे हैं लेकिन वो जा किस लिए रहे हैं अब इसके अंदर जो अंडरलाइन है इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे वो फैक्ट्स एंड फिगर्स सिर्फ हम उनका जिक्र करेंगे लेकिन उनकी एक्सपोजिशन और प्रॉपर डिटेल हम नेक्स्ट पैरा के अंदर देंगे पाकिस्तान इज़ हैविंग अ करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ एटीन बिलियन डॉलर्स एक्सटर्नल डेट्स हैव रीच एन अमाउंट ऑफ नाइन्टी फाइव बिलियन डॉलर्स फॉरन रिजर्व हैव डिप्लीटेड टू एन अमाउंट ऑफ टेन बिलियन डॉलर्स सर्कुलर डेट्स

एस बी पी एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर जुलाई सेप्टेंबर ऑफ फिजिकल ईयर फिजिकल ईयर एक टर्म है इसकी भी एक्सपोजिशन होगी कि ये होता क्या है और कब एंड होता है स्टार्ट होता है दीज आर नॉट मेयरली फाइनेंशियल फिगर्स इलेबोरेशन ऑफ दिस अमाउंट इज एन आई ओपनर फॉर एवरी सिंगल मैन इन द स्ट्रीट फॉलोइंग इज इट इज इट्स एक्सप्लेनेशन अब हमने इस पैसेज के अंदर बताया कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है इसलिए जा रहा है कि हमारे ये ये मसाइल हैं और ये चीज़ें हमें स्टेट बैंक ने रिपोर्ट की हैं इस फाइनेंशियल इस फिजिकल ईयर के अंदर नेक्स्ट पैरा देखिएगा पैरा थ्री करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है उस अंडरलाइन टैक्स में जो पिछले पैसेज में था आपने देखा कि सबसे पहले उसका जिक्र था और यहाँ पे मैंने एक चीज़ हाईलाइट की है फर्स्ट इन द लिस्ट जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को तो आप जब उनका जिक्र करेंगे फर्स्टली सेकेंडली थर्डली एक इस तरह कर सकते हैं दूसरा तरीका ये है कि आप फर्स्ट इन द लिस्ट लिख लें सेकेंड मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस थर्ड रीजन इस तरह की चीज लफ्ज़ बार, बार बार बदली जाए तो इसमें मैंने ये हाईलाइट किया नेक्स्ट पैसेज में भी मैं आपको दिखाऊंगा फर्स्ट इन द लिस्ट इज द करंट अकाउंट डेफिसिट अ अरमेंट ऑफ अ कंट्री स्टेट वेर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट इंपोर्ट्स एक्सीड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में आने वाली तमाम चीज़ें और पाकिस्तान से तमाम जाने वाली तमाम चीज़ें उनका जो बैलेंस है वो करंट अकाउंट होता है और उसमें ये मसला है कि हमारी इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं हम खरीद ज़्यादा रहे हैं हम बेच कम रहे हैं जाहिर है कि जब हम खरीद ज़्यादा रहे हैं तो हमारे पास पैसा ज़्यादा जा रहा है और आ वापस कम रहा है ये करंट अकाउंट डेफिसिट है पाकिस्तान हैज़ मोर इम्पोर्ट्स दैन इट हैज़ एक्सपोर्टेड मेजर इम्पोर्ट इज़ दैट ऑफ क्रूड ऑयल एस बी पी एस बी 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 का बार बार मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऑथेंटिक सोर्स है आप हवा में तीर नहीं चला सकते कि आपको किसी ने कह दिया वो बात आपके ऐसे में वज़न नहीं डालती वो आपके फैक्ट में वज़न नहीं डालती एस बी बी एज़ रिपोर्टेड डेट इम्पोर्ट्स हैच फोर्टीन पॉइंट सेवनटीन सेवेंटी वन परसेंट टू फिफ्टी फाइव पॉइंट एटी फोर बिलियन डॉलर्स इन फाइनेशियल ईयर ये एक आर्ग्यूमेंट भी है ये कंपैरिजन भी है कि पिछले सालों में इतनी थी इन सालों में इतनी है फाइनेंशियल ईयर अठारह उन्नीस अंडर वे एंड सम फैक्टर्स शुड बी कम्पेयर एनुअली, देयरफॉर फॉर इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू कम्पेयर इट विद द करंट अकाउंट करंट फिजिकल ईयर इट एंडस और जो मौजूदा फिजिकल ईयर है वो अभी तक चल रहा है लिहाजा हम इसे उससे कंपेयर नहीं कर सकते अब वो भी खत्म हो गया होगा और पॉसिबली जब आप वीडियो देखें तो पता नहीं ये कौन सा फाइनेंशियल फिजिकल ईयर चल रहा हो तो आपको उस हिसाब से इस पैसेज को अपडेट करना होगा पैरा फोर देखिएगा एक्सटर्नल डेट्स का है ये लास्ट पैसेज मैंने स्टार्ट किया था ग्रे हाईलाइटेड एरिया उसमें था द फर्स्ट इन द लिस्ट में इसमें इस है द सेकेंड इशू लफ्ज बदल दी है अगर मैं यहाँ पे भी देखता दे था द सेकेंड इन द लिस्ट बात वही रहनी थी यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा करूँ कि आप लफ्जों को बदलते रहा करें

ट्रेडर्स uh, के भी पैसे देने हैं हमने कॉरपोरेशंस के भी पैसे देने हैं बावजूद इसके हमने अपना डेट मजीद बढ़ा लिया एक साल के अंदर हमने तेईस बिलियन डॉलर का इजाफा कर दिया पैरा फाइव आ गया हमारे पास पैरा फाइव फॉरन एक्सचेंज रिजर्व का है इसके अंदर फिर देखें द थर्ड मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस दूसरे वाले में था द सेकेंड इशू पहले वाले में था फर्स्ट इन द लिस्ट फिर लफ्स बदल दिया

गवर्नमेंट कुछ रिजर्व कर लेती है जैसे आप ये समझ लें कि एक गोलक के अंदर बच्चे कुछ पैसे बचा के रखते हैं मुश्किल वक्त के लिए हर फैमिली में होता है एक बजट होता है बजट के अंदर से कुछ पैसे रखे जाते हैं ताकि मुश्किल वक्त के काम आ जाएं ये वही पैसा होता है जो कि हुकूमत बचा के रखती है मुश्किल वक्त के लिए लेकिन वो भी इतने डिप्लीट हो चुके हैं कि सिर्फ टेन बिलियन डॉलर रह चुके हैं जबकि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो 95 बिलियन डॉलर्स का है हम कैसे 10 बिलियन के साथ पचानवे बिलियन डॉलर उतारे हैं पॉसिबल ही नहीं है लेकिन इसमें एक और चीज़ ये है मैंने यहाँ पे मज़ीद आर्ग्यू करते हुए कहा कि दीज आर नॉट इवन इनफ फॉर टू मंथ इम्पोर्ट बिल यानी कि हमारा दो मंथ का इम्पोर्ट बिल अप्रॉक्सीमेटली बारह बिलियन डॉलर का आता है तो हम तो इस जो मुश्किल वक्त के लिए पैसे रखे हुए हैं उनसे तो हम तेल भी नहीं खरीद सकते दो महीनों के लिए पैरा सिक्स सर्कुलर डेट। इसका स्टार्ट भी आप देखेंगे फोर्थ फैक्टर टू कंसिडर। यहाँ पे फिर लेवल्स बदल दिए हैं। The fourth factor to consider is of circular debt, a situation in which a string of debtors and creditors exist in fashion such that the net final creditor is string in, is debited to the first creditor. Every member is both debtor and a creditor. The circular debt of Pakistan is one, uh, rupees one point थ्री ट्रिलियन द पार्टीज़ इन्वॉल्व इन द सर्कल ऑफ डेट आर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान स्टेट ऑयल इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एंड एनर्जी सप्लाइज इन लाइक लेस्को एट्सट्रा हु विल पे होम एंड वेन ये एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट कि कौन किस को कब अदा करेगा तेल आपकी एनर्जी सेक्टर जो है ना वो एक सर्कल में काम करती है हकूमत पी एस ओ पावर प्रोड्यूसर्स उसके बाद आपके जो कंपनीज़ होती हैं लेस्को फेस्को मैपको ये सारा कुछ ये इकट्ठे काम करते हैं तो हर बंदा एक ने दूसरे के पैसे देने हैं दूसरे ने तीसरे के देने हैं तीसरे ने चौथे के देने हैं और जो चौथा है उसने अल्टीमेटली पहले के देने हैं ये एक सर्कल चल रहा है जिसे आप गर्दशी कर्जे भी कहते हैं वो अभी तक 1.3 ट्रिलियन डॉलर हैं तो हम कब अपने ही पैसे कब उतारेंगे सेवन फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं और फिफ्थ इन द लिस्ट जो बात पहले पैसेज में की थी फर्स्ट इन द लिस्ट वो अब यहाँ पर रिपीट हुई है बीच में चार पैसे ही निकल गए हैं इन द रिडक्शन ऑफ द फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफ डी आई एक टर्म है एक्सपोजिशन है इसकी आगे एन इन्वेस्टमेंट इन अस इन्वेस्टर फ्रॉम एन अदर कंट्री फॉर विच द फॉर इन्वेस्टर हैज कंट्रोल ओवर द कंपनी दर्चेज एट लीस्ट टेन परसेंट चाइना इज द बिगेस्ट एफ डी आई इन्वेस्टर बट शी हैज मेड रिडक्शन प्रूडेंटली इन द लाइट ऑफ करंट इकोनॉमिक क्राइसिस इन द फर्स्ट क्वार्टर जुलाई सेप्टेबर फिस्कल ईयर नाइन फोर थर्टी पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स एफ डी आई वर टू द 70, 765 डी मिलियन डॉलर्स लास्ट ईयर इन द सेम क्वार्टर अ डिक्लाइन ऑफ 42 परसेंट एज रिपोर्टेड बाय एसबीपी. फिर एसबीपी का जिक्र क्योंकि एक ऑथेंटिक सोर्स है और ये बताया गया है आर्ग्यूमेंट किया गया है कि हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस हुई हैं 42 परसेंट से इस पैसेज में एफ डी आई हैं क्या और वो कितनी रिड्यूस हुई हैं वो भी एक्सप्लेन कर दी ये सारा कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है किसके साथ इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ पैरा एट है इन्फ्लेशन एंड डेप्रीसिएशन ऑफ रुपी जो पैरा आपको लगे कि काफी छोटा हो जाएगा आपको चाहिए कि आप उसके दो पैरा बना लें दो पैरा मर्ज कर लें सिक्स इन्फ्लेशन एंड सेवन डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी पॉइंट ऑफ डिस्कशन आर इंटर रिलेटेड इन्फ्लेशन इज अ स्टेट ऑफ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस एंड द फॉल इन द परचेजिंग वैल्यू ऑफ द मनी इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज टू सेवन परसेंट एंड द वैल्यू ऑफ रुपी हैज डिक्रीज बाई ट्वेंटी सेवन परसेंट इच मीन दट कॉस्ट दैट वंस अ कंज्यूमर यूज टू पे फॉर अ पर्टिकुलर product will only be available to him if an additional amount is paid all these factors have collectively contributed to hinder the economic growth and prosperity of our country after understanding these economic crisis it is a pertinent to discuss how pakistan has fallen into these crises अब इस पैसेज के अंदर हमने बताया कि महंगाई भी हो गई है और पैसे की कदर भी गिर गई है जिसकी वजह से हम जो चीज पहले 10 रुपए में खरीद सकते थे अब वो मैं, लेट्स सपोज 15 में खरीदनी पड़ रही है 20 में खरीदनी पड़ रही है ये सारा हमने इसमें डिस्कस किया है कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस हैं यहाँ तक हमारे सारे वो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान इन इकोनॉमिक क्राइसिस में गिरा किस तरह लास्ट जो लाइन है जो ग्रे हाईलाइट uh, की गई है यहाँ पे बात खत्म हुई है और इसी से नेक्स्ट पैसेज में स्टार्ट होगी पैरा नाइन प्रिसाइस टेल ऑफ सेवन डैकेट्स पाकिस्तान हैज नॉट फॉलन टू दिस क्राइसिस ओवर पीछे जो क्लेम किया गया था वही क्लेम यहाँ से इस लाइन से शुरू हो रहा है Since the independence of Pakistan, we have seen a total of four military coups and nine democratic governments. And uh, every single government has more or less contributed to this cause. Pakistan secured its first loan of twenty-seven million dollars in March 1952 from International Bank of Reconstruction and Development, IBRD. Ek term IEBRD, expose equalization, and international financial ye, iski kar rahe, exposition. आगे हम बात जब करने लगे हैं अंडरलाइन से द इन्फेंट स्टेट से उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ऊपर वाला पैसेज यहाँ पे ये बात की गई है कि हम एक ही रात के अंदर इन इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं गिरे ये सत्तर सालों की कंट्रीब्यूशन है चार डिक्टेटर्स आए यहाँ पे और नौ जमहूरी हुकूमतें आई लेकिन हर बंदे ने कर्जा लिया किसी ने कर्जा उतारने के बारे में सोचा नहीं उन्नीस में पहला कर्जा लिया गया और तब से अब तक हम सिर्फ कर्जे ही ले रहे हैं कभी कर्जा उतारने के बारे में नहीं सोच रहे तो इसमें आ गया द इनफेंट स्टेट वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू क्रॉल ड्यू टू द मेल न्यूट्रीशन ऑफ फंड वॉज नीड ऑफ टाइम बट लिडर ऑन एवरी सक्सीडिंग गवर्नमेंट अबिट सो मच सो दैट वी नाउ हैव टू पेन असम ऑफ नाइनटी फाइव बिलियन डॉलर वन वु आर्ग्यू दैट वॉट द गवर्मेंट है डेट्रोटेड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अटेट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज देन हु इज यहां पर हमने आर्ग्यू ये किया कि हमारा एक बच एक नया मुल्क बनना एक बच्चे जैसा ही होता है उसको बच्चे से तशबी दी गई है कि उसके अंदर खुराक की बच्चे में अगर खुराक की कमी होए तो वो बहुत कमजोर हो जाता है इसी तरह हमारे पास फंड्स की कमी थी हम कमजोर मुल्क थे और उसके बाद जब हमने पहला कर्जा लिया तो फिर सब ने अपनी हैबिट बनाई कर्जा लेना किसी ने ये नहीं सोचा कि हमने कर्जा उतारना है इतना ले लिया कि हमने पचानवे बिलियन डॉलर का एक पहाड़ अपने सर पर उठा लिया है जो हमने कभी ना कभी तो अदा करना ही करना है अगर हम इस बात पे जोर दें कि इस सारी प्रोसेस के अंदर या इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर गवर्नमेंट का रोल क्या है तो आर्ग्यूमेंट उसका ये है कि अगर गवर्नमेंट का रोल नहीं है तो फिर किसका है ये लोग हमसे मैंडेट लेके जमहूरी हुकूमतों में आए हैं वो इसलिए नहीं आए कि हमें इकनॉमिक क्राइसिस दें वो हमें इकनॉमिक डेवेलपमेंट देने आए हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान हैज़ अ मिक्सड इकॉनॉमी एज एन इकानमी वेयर मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट एंटरप्राइजेज ये आंसर टू इट इज दन हुईज का जवाब है कि हक हमारी एक मिक्सड इकॉनमी है और इसके अंदर बड़े डिसीजन सिर्फ गवर्नमेंट ही लेती हैं गवर्नमेंट्स के मुख्त इकॉनॉमिक स्टाइल्स होते हैं मिक्सड होता है और भी बहुत सारे हैं तो हमारा मिक्सड इकॉनॉमी स्टाइल है द नेशन हैज नो ग्रीवेंसिस विद मिलिट्री कूप बिकॉज दे हैव रूल विद फोर्स नॉट विद पब्लिक विल बट वॉट अबाउट द डेमोक्रेट्स है नेशन हमें उन डिकेटर्स से कोई गिला नहीं है क्योंकि उन्होंने तो किया ही जो हम पे राज है वो अपने पावर के जोर पे किया है लेकिन हमें उन लोगों से गिला है कि जो हमसे मैंडेट लेके पार्लियामेंट के अंदर आए उन्होंने भी हमारे मुल्क के बारे में सोचा नहीं उसकी जो बिगड़ती सूरत है उसको संवारने के लिए कोई इकदाम नहीं किए पैराटन देखिएगा पैराटन है कंपेरिजन ऑफ डेकेड विध सिक्स वही मैंने जैसे आपको बताया कि उन्नीस से लेकर 2008 तक का कंपैरिजन है और उसके बाद 2008 से लेकर 2018 तक कंपैरिजन है अ डेकेट ऑफ कंटिन्यूस डेमोक्रेटिक रूल हैज एंडेड रिसेंटली वेयर बाय टू पॉलिटिकल पार्टीज हैव कंप्लीटेड देयर टर्म ऑफ ऑफिस फाइव ईयर्स ईच विद अ शिफ्ट ऑफ पावर टू अ थर्ड पोलिटिकल पार्टी इन गवर्नमेंट परफॉर्मेंस सो फार इज नॉट सेटिसफैक्टरी बिकॉज इट वुड नॉट बी बट इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू जज इट बिफोर टाइम यहाँ पे ये बात की गई है कि 2008 के बाद डेमोक्रेटिक रूल हमारे कंट्री में आ गया था उसके बाद कोई डिक्टेटर्स वगैरह नहीं आए पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और उसके बाद पीएमएलएन की आई उसके बाद पीटीआई की अब हुकूमत चल रही है तो ये सारा कुछ मेंशन किया है पाकिस्तान डेट हैज़ इंक्रीज फ्राम टू थाउजें बिलियन डॉलर टू टू थाउजेंड बिलियन डॉलर

आपके पिछले 60 सालों के कर्जे से ज्यादा हैं 60 सालों में हमने जो टोटल कर्जा लिया वो 46.3 बिलियन डॉलर्स था अब हमारा कर्जा 95 बिलियन डॉलर्स है पिछले 10 सालों में 49 बिलियन डॉलर्स का कर्जा उठाया इन दो हुतों ने और ये सारा कुछ जो है वो रिपोर्ट की है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने द पॉइंट टू पॉन्डर इज दैट इवन आफ्टर रिसीविंग सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन्स वेयर आर वी स्टैंडिंग टूडे लेकिन सोचने की बात यह है कि इतना ज़्यादा कर्जा उठाने के बाद भी हम कहाँ खड़े हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर वाटर टू ड्रिंक आर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे मोस्ट कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट इंटरनली पर्सन आफ्टर टू थाउजेंड फाइव अर्थक्वेक आर स्टिल नॉट द यूथ इज स्टिल अनएम्प्लॉयड एंड लिस्ट ऑफ एग्जॉस्टेड पॉइंट टू थिंक इज़ दैट इफ़ नथिंग हैज़ चेंज दैन वॉट हैज़ चेंज वेर इज़ द मनी अब यहाँ पे वो सारी चीज़ों के उन सारे हालात के वाकयात के जिक्र हैं जैसे कराची में अभी तक पानी साफ़ नहीं है पीने को डैम्स अभी तक नहीं बने रेलवेज अभी तक अच्छा नहीं है जो लोग बेघर हुए थे 2005 के जलसले के बाद वो अभी तक सेटल नहीं हो सके इलेक्ट्रिसिटी अभी तक बहुत सारे इलाकों में नहीं पहुँची लिटरेसी रेट हमारी कंट्री का नहीं बढ़ा हमारे मुल्क में अभी भी नौजवान बेरोज़गार हैं और आगे लिख दिया कि लिस्ट ऑफ ये बहुत ज्यादा है तो अनदर पॉइंट टू थिंक इज दैट इफ नथिंग हैज चेंज देन व्हाट हैज चेंज वेयर इज द मनी अगर कुछ भी नहीं बदला तो फिर बदला का है, क्या है और पैसे हैं कहाँ पे पैरा इलेवन थोड़ा लेंथी है इसलिए इसके दो पार्ट्स कर दिए पैरा इलेवन एक कैंसर ऑफ करप्शन नेवर ट्रीटेड पीछे हमने कहा था कि वेयर इज द मनी यहाँ पे उसी सेंटेंस से आगे बात चली the money is looted the records are burnt and the change is there but in the financial conditions of the people who were holding the public offices these are not merely accusations many bureaucrats military personnel and politicians are faced with the charges of corruption for the abuse of their power a petition against the former dictator cum president legal proceeding against another former president and co-chairman of political party a suit against the former chief minister एंड द पुलिस अरेस्ट ऑफ़ द टू टॉप लेवल लेट्स वर रिपोर्टेड इन द ईयर 2018 ये वो सारे वाक़ थे जो 2018 के अंदर आए अगर मैं क्लियरली इन बंदों के नाम लूँ तो शहबाज शरीफ साहब फवाद हसन फवाद उमर चीमा साहब ठीक है इन लोगों के अरेस्ट हुए और मुशरफ साहब के ऊपर केसेस चल रहे हैं हमने ऐसे के अंदर इनके नाम नहीं लिए लेकिन जो चीजें लिख दी हैं उनसे ये प्रोमिनेंट है कि ये कौन लोग हैं तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पे लिखा कि पैसे अगर वाकई मुल्क के ऊपर नहीं लगे तो फिर वो कहाँ हैं? इन लोगों की तरक्की की क्या वजह है बाकी लोग उस हिसाब से तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे एक कॉमन सेंस है एक आर्ग्यूमेंट है दे आर एक बट द कोर्ट्स इल्ज़ाम है लेकिन अभी तक साबित कुछ भी नहीं हुआ ना उनके हक़ में ना उनके खिलाफ इफ दे आर फाउंड इनोसेंट दे वुड बी रिस्पेक्टेवली रिसोटेड टू देयर पोजिशन बट वॉट इफ दे आर फाउंड गिल्टी अगर तो वो साबित हो जाता है कि उनका कोई कसूर नहीं है उन्होंने कोई करप्शन नहीं की तो उनको उनका ऑफिस वापस मिल जाएगा लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि वो लोग गिल्टी हैं तब क्या होगा ये एक इफ एनालिसिस होता है कि अगर ये नहीं तो दूसरा क्या पहलू होना चाहिए एनी हाउ करप्शन इज अ कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमिक क्राइसिस बट द अपी इज दैट नो मेजर्स वर एवर टेकन टू डिटेक्ट और एलिमिनेट इट पैरा इलेवन बी देखिएगा कैंसर ऑफ करप्शन पे ये ये भी पिछला पैसेज खत्म हुआ है हमारा डिटेक्शन एंड एलिमिनेशन पे यहीं से बात शुरू हुई है और ये कोहेरेंट बनाने की एक कोशिश है डिटेक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ करप्शन आर ओनली पॉसिबल अ स्टेट पोजेस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड सेल्फलेस पर्सनल टू सर्व पब्लिक एट लार्ज बट इट इज अ परफेक्ट स्टेट एंड ह्यूमन कैन नेवर अटेन परफेक्शन स्टिल बेटरमेंट कुड हैव बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन एंड द लीडर्स दैट दैट इज एग्जेक्टिव इस्टेब्लिशमेंट इन जुडिशरी बट ऑल इन वेन आप डिटेक्ट कर सकते हैं एलिमिनेट करप्शन को नहीं कर सकते ये एक कॉमन सेंस है बुराई इंसान के अंदर है अच्छाई इंसान के अंदर है यहाँ पे बात यही की गई है कि इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हों तो वो डिटेक्ट कर लेती हैं और कोशिश करती हैं कि उसको दोबारा ना होने दिया जाए सेल्फलेस पर्सनल जो लोग आ, मुखलिस लोग हों मुखल लोग हों आपके मुल्क के साथ वो हमें रिक्वायर्ड थे लेकिन जिन लोगों को पब्लिक ऑफिस बड़े बड़े मिले एग्जैक्ट को इस्टबलिशमेंट को जुडिशरी को उन्होंने किसी ने कोई काम नहीं किया करप्शन को ट्रीट करने के लिए द ओनली टाइम अ मैन इन स्ट्रीट गेट्स अवेयर ऑफ द करप्ट प्रटिसिज इज़ वेन दर इज़ अ चेंज इन द गवर्मेंट एंड द इनकम इंग गवर्नमेंट अनवील द करप्ट प्रैक्टिस ऑफ द आउट गोइंग गवर्नमेंट एक आम आदमी को सिर्फ तभी पता लगता है कि हमारे इस दौर में कितनी करप्शन हुई है जैसे कि पीपल्स पार्टी के जाने के बाद नून लीग ने शोर मचाया कि जनाब इतनी करप्शन ये लोग कर गए हैं नून लीग के जाने के बाद पी टी आई ने करप शोर मचा दिया कि इतनी करप्शन कर गया है अब पी टी आई के जाने के बाद अल्लाह जाने क्या होगा तो यही बात यहाँ पे की गई है कि एक बंदे को पता ही तब चलता है कि जब पांच साल ये लोग पूरे करके अपनी गवर्नमेंट चला के चले जाते हैं नेक्स्ट uh, है इसमें अनफॉर्चुनेटली इट रिक्वायर्स फाइव ईयर्स पांच साल का इसमें टाइम लग जाता है हैड देर बीन अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड सेल्फलेस लीडर द करप्ट वुड हैव बीन प्रुड इन बर्ड अगर वाकई स्ट्रोंग हमारी इंस्टीट्यूशन होती हमारे लीडर हमारे मुल्क के साथ मुखलिस होते तो करप प्रैक्टिस को होते ही खत्म कर दिया जाता टू मेक इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग एंड लीडर सेल्फलेस द ऑब्जर्वेंस ऑफ मेरिट इज इम्पेरेटिव और ज़रूरी है कि अगर हम अपने इंस्टीट्यूशन को और अपने जो लीडर्स हैं उनको बनाएं मुखलस बनाएं तो उसके लिए मेरिट के ऊपर हर चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है अगर मेरिट ही ना हो सिफारशें ही चलती रहें फेवरेटिज़म नेपोटिज़्म ही चलता रहे तो कभी भी कभी भी हमारे मुल्क में ये कैंसर का इलाज नहीं हो सकता मैंने बात लास्ट अभी खत्म की है करप्शन से मेरिट की तरफ और मेरिट की ही हम इसमें डिस्कशन करेंगे एम्प्लॉयड पार्लियामेंटेरियंस वर्सेस अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स की बाय फार द मेरिट इन जुडिशरी एंड एस्टेब्लिशमेंट इज कंसर्न इट इज ऑब्जर्व टू समूडिंग एंड नेपोटिज्म बट वॉट अबाउट द पार्लियामेंटेरियंस कि शायद जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तो कुछ हद तक कहीं ना कहीं कुछ मेरिट तो होगा अगर हम फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की बात ना करें लेकिन पार्लियामेंटेरियंस के बारे में क्या ख्याल है पार्लियामेंटेरियंस के मामले में तो हमें कोई किसी किस्म का मेरिट नज़र ही नहीं आता एम की जो है वो क्वालिफिकेशन का क्या मेरिट है मुझे तो आज तक नहीं समझ आया द फेयर एंड फ्री इलेक्शन नेटवर्क फॉर फाइन एक टर्म यूज की एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम किया उसकी एक्सपोजिशन देंगे नॉन प्रॉफिट एन नेटवर्क ऑफ मोर देन फिफ्टी डोमेस्टिक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर फॉर गुड गवर्नेंस फेयर इलेक्शन एंड ओपन पार्लियामेंट इन द पाकिस्तान सिंस 2006 इन द रिपोर्ट आफ्टर जनरल इलेक्शन 2018 रिवील्ड ये बेसिकली में इतनी लंबी एक्सपोजिशन देने का मकसद ये था कि बाद में वजन डालने के लिए कि इन्होंने कहा क्या है इन्होंने 2018 के इलेक्शन के बाद ये क्लेम किया था 24 इतने सारे लोग आए हैं उनमें से 24 लोग मैट्रिक हैं और उनमें से भी दो लोग मैट्रिक भी नहीं है ये मेरिट है जो पार्लियामेंटेरियंस वहां पर बैठ के हमारा लॉ मेकिंग का प्रोसेस कर रहे हैं इन अदर फैक्ट दैट मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट हैज रिपोर्टेड इज दैट ओवर द लास्ट फाइव ईयर्स दो हज़ार तेरह से अठारह तक 2.765 मिलियन इंडिविजुअल्स हैव लेफ्ट द कंट्री ये कौन लोग छोड़ गए हैं दो फैक्ट्स को मिलाया है एक वो फैक्ट के पैसे रखने वाले लेकिन तालीम ना रखने वाले पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाते हैं उन्हें पता नहीं है लॉ मेकिंग का ले, लेकिन वो लॉ मेकिंग कर रहे हैं और वो लोग जिन्हें लॉ मेकिंग आती है जो पढ़े लिखे हैं वो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में मजदूरी करने जा रहे हैं द क्वेश्चन इज दैट अ पर्सन हु इज़ नॉट इवन मेट्रिकुलेटेड शुड बी अ पार्लियामेंटेरियन और अ पर्सन होल्डिंग अ पी एच डी डिग्री इन पोलिटिकल साइंसिस शुड बी द वन एक जनरल थाट यही है कि जो पी एच डी पोलिटिकल साइंस में रखता है उसे ही हक होना चाहिए वही मेरिट पर आएगा एक जो मैट्रिक बंदा भी नहीं है उसको तो नहीं आना चाहिए द जनरल ट्रुथ इज़ दैट नॉलेज एंड इग्नोरेंस कैन नॉट बी अलाइक एज अ डिवाइन बुक ऑफ द होली कुरान स्टेट्स सच्चाई भी यही है और हमारा होली कुरान भी यही कहता है से आर दे एवर इक्वल दोज हु नो एंड दोज हुट नो जो जानते हैं और जो नहीं जानते वो बराबर नहीं है नेक्स्ट हमारे पास है दोज हुव एंड शुड है नेशन लेफ्ट द कंट्री एंड दोज हुव नेवर सीन अ बुक ऑफ इकोनॉमिक्स और लॉ आर रिप्रजेंटिंग द सेवन परसेंट ऑफ द नेशनल असेंबली सात फीसद बनते हैं ये चौबीस लोग जो कि हमारी पार्लियामेंट में बैठ के लॉ मेकिंग कर रहे हैं बजटरी प्रोसेस के ऊपर बहस कर रहे हैं पैरा थर्टीन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अनएम्प्लॉयमेंट इज करंटली सिक्स परसेंट वन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अ सडन लार्ज इंक्रीज ये एक्सपोजिशन है इसकी एज पर द डेटा अवेलेबल ऑफ द सिक्स सेंसेिस फ्रॉम द पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक एक ऑथेंटिक इदारे का नाम और साथ ही उसकी एक्सपोजिशन पाकिस्तान वॉज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ थर्टी थ्री पॉइंट सेवन मिलियन इन नाइनटीन फिफ्टी वन बाकी सेंसिस के हिसाब से लास्ट में हमारे पास आता टू जीरो सेवन मिलियन इन टू थाउजेंड सेवनटीन This makes Pakistan the fifth most populous country in the world and increase in population contributes directly to the economic crisis as the demand for the product increases the supply decreases thus resulting in the increased inflation this is an issue that has never been given importance the result is more mouth to feed with the same resources हमारे मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट पहले ही नहीं है उसके ऊपर आबादी हमारी बड़ी तेज़ी से बढ़ी है हमारे डैम के रिसोर्स पान पीने के पानी के रिसोसेज खाने के रिसोर्स रहने के रिसोसेज़ सब सेचूरेट हो गए हैं क्यों क्योंकि हमारी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और इस चीज़ का जो रोकथाम कर सकती है वो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है क्योंकि हमारे एजुकेटेड लोग नहीं हैं जो लोग मजदूरी दिहाड़ी करते हैं उन्हें नहीं पता कि अगर हमारी आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ जाए तो हम उसको हमारे हमारे लिए क्या नुकसान है सीधी बात है महंगाई है इकनॉमिक क्राइसिस हैं उनको एजुकेट करना फैमिली प्लानिंग की जो है वो प्रोग्राम्स चलाना वो गवर्नमेंट का काम था वो कभी भी नहीं किया गया शायद 90s के अंदर एक 94 के अंदर शायद कोई इस तरह का प्लान आया था लेकिन अनसक्सेसफुल रहा था तो ये सारा कुछ हमने इसके अंदर डिस्कस किया है कि हमारी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी है और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सेचूरेट हो गए हैं नंबर फोर्टीन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर एफ बी आर के ऊपर इन एफिशंसी इन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेज एन अदर इशू दैट इज़ अ टू इकोनॉमिक क्राइसिस इज ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स कलेक्टर्स दे डू नॉट कलेक्ट दैट इज सपोज टू बी कलेक्टेड पैसा हमें जितना चाहिए उतना तो गवर्नमेंट कलेक्ट ही नहीं कर रही लोग टैक्स इविजन कर रहे हैं During the year 2018, it has been alleged that a corporation, Myersik Shipping Line Private Limited, was involved in tax evasion of bills of rupees by issuing binami bills, thus evading sales tax. We are not to conclude on the allegations, but again, the what if analysis is necessary. That is, what if they are innocent and what if they are guilty? A question on the performance of the tax department. Those are at thara kendar, ye ne koi binami bills ka inka issue tha. जो कि हमने इन पे एलिगेशन इल्ज़ाम वगैरह लगे कि इन्होंने डिविजन की है हम इसको वॉट इफ एनालिसिस के अंदर बात करके मुखसर कर लेते हैं कि अगर तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था और वो साबित नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है लेकिन अगर ये साबित हो जाता है और अगर वो गिल्टी निकलते हैं तो फिर तो सवाल बनता है एफ बी आर की परफॉर्मेंस के ऊपर लाइकवाइज मैनी पीपल अवेल्ड द फर्स्ट टाइम लॉन्च ऑफ टैक्स एमनेस्टी स्कीम टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2018 में लॉन्च की गई थी पीएमएलएन के जाते हुए अ स्कीम इन विच द स्टेट विल नॉट क्वेश्चन इसकी एक्सपोजिशन चल रही है विल नॉट क्वेश्चन द सोर्स ऑफ एसेट हाउ इट वाज डिराइव्ड एंड प्रोवाइड अ डिस्काउंटेड रेट ऑफ कैलकुलेशन प्रिसली कन्वर्टिंग योर ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी इं वाइट ऑन पेइंग अ पेनी एमनेस्टी स्कीम के अंदर यही है कि आपकी जितनी भी ब्लैक मनी है ये सारी की सारी वाइट करा लो और डिस्काउंटेड रेट पर टैक्स दे दो थोड़ा सा टैक्स दे दो और अपनी सारी की सारी ब्लैक मनी वाइट करवा लो पाकिस्तान इज़ हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ टू जीरो सेवन मिलियन एंड एक्टिव टैक्स पेयर हो पे टैक्स ईच ईयर आर नियरली वन पॉइंट फोर सिक्स मिलियन पीपल हु आर इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ये फैक्ट जो है वो एफ बी आर ने खुद माना था दो हज़ार अठारह के अंदर कि हमारे पास टोटल वन पॉइंट फोर सिक्स मिलियन जो टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर हैं आप खुद देख लें कि पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन के अंदर से सिर्फ वन परसेंट भी नहीं टैक्स पे कर रहे और वो वन परसेंट में से भी जो टैक्स पे कर रहे हैं वो पचास फ़ीसद चोरी कर रहे हैं पचास फीसद पे कर रहे हैं पैरा फिफ्टीन अवॉइड लोन्स एंड लोन्टेन्स एड्स अभी तक हमने जितनी बात की है वो इकोनॉमी क्या है इकोनॉमिक क्राइसिस क्या हैं हमारे मुल्क के इकनॉमिक क्राइसिस क्या हैं वो कैसे हमारा मुल्क इनमें आया अब हम इनमें से कैसे निकल सकते हैं ये हमें क्या एकदम हाथ लेने चाहिए सोल्यूशंस की अब हम बात करने लगे हैं तो पहला सोल्यूशन हम इसमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग में देंगे अवॉइड लोन्स एंड अटेन एड्स द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शुड कंसिडर गेटिंग फॉरन एड इंस्टेड ऑफ लोन्स इज अ मनी यू बोरो एंड यू मस्ट पे बैक विद इंटरेस्ट विद्रस्ट एज एड इज अ वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सम वन कंट्री टू अनदर बेस्ड ऑन द डिप्लोमेटिक टाइज कर्जा जब आपने उठाया तो आपने सूद समेत वापस करना है दूसरे मुल्क को लेकिन एड जो है उसके मुख्तफ तरीक़ाकार होते हैं और आपको मिलता है इस बुनियाद पर कि आपके दूसरे ममालिक के साथ तल्लत कितने अच्छे हैं सऊदिया कतर इन लोगों के साथ हमारे तल्क अच्छे हैं और इन्होंने हमारी हेल्प भी की सऊदिया हैज़ प्रोवाइडेड अ शॉर्ट टर्म सोलूशन ऑफ डेफर्ड पेमेंट फैसलिटी लोन अरेंजमेंट इन विच द बोवर इज़ अलाउड टू मेकिंग स्टार्ट मेकिंग पेमेंट एट सम्पेसिफाइड टाइम इन फ्यूचर ऑफ थ्री बिलियन डॉलर इन अक्टूबर टू थाउजेंड एटीन Although the money is given for the purchase of their oil in the future, yet for time being it could be a support to meet the balance of payment crisis. Such arrangements with a few more countries would be more feasible than approaching the IMF for loans. अगर हम short terms हमारे इतने आ, इसी तरह के छोटे-छोटे deferred plans हम ले लेते, तो शायद हमारे लिए वो feasible होते। अब देखें हम इसके अंदर एक pure economist है नहीं। हमारी अकल समझ के हिसाब से जो बात होगी हम उसके अंदर मेंशन करेंगे हमने इसको बिल्कुल एक रिसर्च पेपर नहीं बनाना हमारी थिंकिंग के मुताबिक अगर हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें डेफर्ड जो पेमेंट फैसिलिटी है उस तरह के या एड वाली चीज़ों को जो है वो अटेन करना चाहिए बन इसके कि हम हार्ड लोन्स ले लें बेल आउट प्लान ले लें आई से एक और चीज़ जो है जिस चीज़ के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर वो रिड्यूसिंग इम्पोर्ट्स कर लें एंड इंक्रेजिंग एक्सपोर्ट्स कर लें आपको याद होगा अभी हमने डिस्कस किया था करंट अकाउंट डेफिसिट वो इसी की वजह से हुआ, हुआ हुआ है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट कमोडिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ मिनरल फ्यूल इंक्लूडिंग ऑयल सबसे ज़्यादा हम तेल मंगवाते हैं 13.5 बिलियन डॉलर्स की उसकी इन्वाइस आती है एंड लीस्ट इंपोर्टेड कमोडिटीज़ आर वेजिटेबल्स और सबसे कम जो हम मंगवाते हैं वो सब्जियाँ होती हैं the ministry of finance should decide that which commodities are of more uh, of importance and which are of least importance and can be avoided for a short period for instance pakistan has imported vehicles of 2.7 billion dollars in fiscal year 1718 यहाँ पे हमने बात ये की है कि हमारी सबसे ज़्यादा जो आने वाली जिसकी हमें ज़रूरत है वो तेल है क्रूड ऑयल उसके बाद जो सबसे कम चीज़ हम मंगवाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत कम है वो है सब्जियाँ लेकिन हमारी जो लग्जरी है कार बेसिकली लग्जरी के अंदर आती है उसकी इम्पोर्ट हमें वक्ती तौर पर रोक देनी चाहिए टू पॉइंट सेवन बिलियन डॉलर की हम एनअल कर रहे हैं पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्टर टेक्सटाइल अपेरल एंड कॉटन द सम ऑफ विच इज़ ट्व पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स विच मीनस दैट ऑल आर एग्स आर इन वन बास्केट एंड वी हैव नथिंग एल्स टू ऑफर हमारी मेजर एक्सपोर्ट फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन ही बनती है ये जो है वो सारी की सारी बेस है टेक्सटाइल के ऊपर बाकी जो हमारा 43 परसेंट है वो बाकी मुख्त चीज़ें होंगी जो हम दूसरे ममालिक को बेच के रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं तो हमें सारा कुछ एक ही टोकरी में नहीं रख देना चाहिए हमें और भी मुख्तलिफ कारोबार के बारे में सोचना चाहिए जो हमें करने चाहिए ये हाईलाइटेड एरिया देखिएगा द गवर्नमेंट मस्ट एनकरेज थ्रू इंसेंटिव एंड द एंटरप्र्योर्स मस्ट डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट सो दैट वी कैन अर्न मोर हमें Uh, हुकूमत इंसेंटिव्स दे और जो कारोबारी लोग हैं उन लोगों को चाहिए कि कोई नए कारोबार की तरफ सोचें या इन्वेस्ट करें या प्रोड्यूस करें ताकि हम वो इंटरनेशनल में मार्केट में बेच के मजीद पैसा कमा सकें अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर जो रिलायंस uh, है उसे थोड़ा कम कर सकें पैरा 17 हमारे पास है एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था डाइवर्सिफिकेशन का और नए प्रोडक्ट्स का तो यही बात हम यहाँ पर रिपीट करें कोहेरेंट बनाने के लिए लिखा गया है टू अर्न मोर एंड टू डाइवर्सिफाई द एंटरप्रेन्योर्स नीड न्यू रिसोर्सेज दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज एज वी नो दैट अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज वन ऑफ द फोर फैक्टर्स फॉर एन इकॉनमी टू ग्रो किसी भी इकोनॉमी के लिए ग्रो करने के लिए चार फैक्टर्स हमने एस के सबसे शुरू में लिखे थे उनमें से एक नेचुरल रिसोर्स है उसी पे बात करने लगे हम रशिया गॉट रूंड थ्राइस ड्यू टू द वॉस बट स्टिल रशियन मैनेज देयर .e. टूटाट यूनियन था उससे पहले भी ये वर्ल्ड वॉर में इनकी काफी तबाही हुई लेकिन हर दफा उसने अपनी इकॉनमी को मैनेज कर लिया मैनेज इस तरह कर लिया क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सिस के मौजूद हैं तेल के भी और यूरेनियम के लिए और दोनों की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है वी पाकिस्तानी टू आर ब्लेड विद द प्रोवेंस ऑफ बलोचिस्तान वेयर ओवर वन ट्रिलियन डॉलर वर्थ ऑफ नेचुरल रिसोसेज हैव बीन डिस्कवर्ड इंक्लूडिंग गोल्ड कॉपर ब्लैक पर्ल ऑयल वैल्यबल स्टोन कोल्ड क्रोमाइट एंड नैचुरल गैस हमारे पास पाकिस्तानियों के पास भी सूबा बलोचिस्तान का मौजूद है जो कि अल्लाह की देन है जिसके अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं और आलमी मंडी में उसकी कीमत तकरीब वन ट्रिलियन डॉलर की बनती है दीज रिसोर्स मस्ट बी एक्स इज द इकॉन इन द लॉन्ग रन हम इन लोग इन चीजों को निकालें इन नेचुरल रिसोर्स को निकालें इनका इस्तेमाल करें और इनको फिर इनके प्रोडक्ट्स बना के या जैसे भी इनको सेल करें और अपनी इकॉनॉमी के लिए बेहतरी लाएं पैराइटीन इंस्टीट्यूशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एक्स्ट्रक्शन ऑफ दैचुरल रिसोर्स लास्ट पैरा एंड पे एक्सट्रैक्शन की बात हुई फर्स्ट पैरा के स्टार्ट इस पैरा के स्टार्ट में भी अब उन्हीं एक्सट्रैक्शंस की बात से आगे चलेंगे इज पॉसिबल ओनली इफ वी पोजेस अ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड एंड रेल्स एंड दैट ऑफ साइट्स ऑफ एक्सट्रैक्शन अलॉन्ग विद टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट नेसेसरी टू एक्सट्रैक्ट अगर हमने तो इन चीज़ों की एक्सट्रैक्शन करनी है तो सबसे बुनियादी जरूरत हमारे पास वो सड़कें वो रेल हैं और वो साइट्स हैं जिनकी हमने एक्सट्रैक्शन करनी है वो मशीनरी है जिनसे हमने एक्सट्रैक्शन करनी है अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स रेल्स का एक्सेस का बना होगा तब ही हम उनको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे हमारे पास वो रिक्वायर्ड मशीनरी मौजूद होगी तब ही हम कर पाएंगे द गवर्नमेंट शुड कंसिडर दीज ऑन प्रियोरिटी टू अटेन सस्टेनेबल डिवेलपमेंट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स हमें अभी की जरूरत भी पूरी करनी चाहिए और कल की जो आने वाली जनरेशन है उनका भी ख्याल करना चाहिए तब जाके हम जो है वो अपनी सारी मैनेजमेंट को कामयाब समझेंगे सेकेंडली द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो टेक इंटू अकाउंट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स अभी तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की अब हम इंस्टीट्यूशनल की बात करने लगे हैं रिफॉर्म्स एफ बी आर इज अंडर परफॉर्मिंग लाइक वाइज मैनी फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशन आरबल टू डिटेक्ट प्रिवेंट एंड एलिमिनेट करप्शन दे टू नीड रिफॉर्म्स हमने एक बात की एफ बी आर भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी भी कुछ इदारे जो कि चेक एंड बैलेंस रखने के लिए मौजूद हैं वो भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लास्ट पैरा नाइनटीन इसके बाद कंक्लूजन होगा इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल लेकिन बात हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से लास्ट पैसेज हमने छोड़ा रिफॉर्म्स टू द इंस्टीट्यूशन आर ओनली पॉसिबल व्हेन द गवर्नमेंट विल इंश्योर द ऑब्जर्वेंस ऑफ मेरिट अगर मेरिट पे काम होगा तो रिफॉर्म्स आएंगे इंस्टीट्यूशन में वरना पॉसिबल नहीं है दोज हु आर क्वालिफाइड एंड दोज हुव एक्सपर्टीज मस्ट बिकम पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ब्यूरोसी एंड जुडिश्री एंड सर्व द नेशन जो लोग तो तलीम रखते हैं जो एक्सपर्टीज रखते हैं आप उन लोगों को लाएं उन लोगों को पार्लियामेंट में लाएं उनको ब्यूरोक्रेटिक टायर में लाएं आप उनको जुडिशरी में लाएं द थर्ड ऑफ द फोर फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट द गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन टू द एजुकेटिंग द मास मास इज़ बाई प्रोवाइडिंग दैम विद देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एजुकेशन एज पर आर्टिकल ट्वेंटी फाइव एवरी चिल्ड्रन ऑफ फ़ाइव टू सिक्सटीन इज़ एंटाइटल टू फ्री एजुकेशन आप तालीम दें तालीम दे के उनको इतना कंपिटेंट बनाएँ कि वो अपने मुल्क को सर्व कर सकें द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो पे अटेंशन टू द अनएम्प्लॉड एंड द वंस हु लेफ्ट देयर कंट्री टू सर्व द कॉज ऑफ़ द अदर नेशन और उन लोगों पर भी ध्यान दें जो अपना मुल्क बेरोजगारी की वजह से छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे मुल्कों के अंदर वो उनको फ़ायदा दे रहे हैं एक पॉइंट इसके अंदर मिसिंग है इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी का आप उसके ऊपर रिसर्च करें और उस पॉइंट को लाजमी डालिएगा क्योंकि टेक्नोलॉजिकल है और टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रखना चाहिए हमें कंक्लूजन देखिएगा टू सम पाकिस्तान इज इन इकोनॉमिक एवरी गवर्नमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द बर्डन ऑफ लोन्स ऑन द स्टेट एंड इन पब्लिक यहाँ पे यही बात की गई है कि सत्तर सालों में हर गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट की है और पाकिस्तान एक रात के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं गिरा नॉट इवन सिंगल गवर्नमेंट इन सेवन ट्राई टू गेट रेड लोन्स द कर्स ऑफ करप्शन हैज एडेड फ्यूल टू फायर लोन्स वर टेकन बाय द देन ऑफिस होल्डर्स एंड फंड नेवर बिकेम द पार्ट ऑफ नेशनल एग्जी जो ऑफिस होल्डर्स थे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ब्यूरोसी में समझ लें आप पोलिटिकल जो टीयर है उसमें समझते हैं उन्होंने फंड्स तो लिए कर्जे उन्होंने अपने दूसरे ममालिक से भी उठाए लेकिन वो कभी हमारे ख़जाने का हिस्सा नहीं बन सके दर्निंग इज दैट द स्टेट इंस्टीट्यूशन रिमेंड अ पार्ट ऑफ इट जो इदारे इस मखसूस काम के लिए बनाए गए थे कि करप्शन को प्रिवेंट करें उसको डिटेक्ट करें उसको कम करें वो भी उसी का हिस्सा बने रहे द कंट्री मेड अंडर द हमेशा हमने ज़्यादा खर्चा है और कम कमाया है जिसकी वजह से ये बर्डन हम पे पड़ गया है द डिवेलपमेंट प्रोग्राम ऑफ सेकेंडरी इम्पोर्टेंस पर इनिशिएटेड ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्राइमरी वंस जो प्रोजेक्ट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे उन्हें पहले शुरू किया गया और जिनकी ज़रूरत ज़्यादा थी उन्हें शुरू या तो नहीं किया गया या तो लेट शुरू किया गया दोज हुर कैपेबल रिमेंड इन दोज हुर रिमेंड इन पार

बताया ही नहीं गया कि अगर आबादी बढ़ती गई तो उसके नुकसान क्या होंगे ऑल दियर इन डायर इकनोमिक्राइसिस हम मानते हैं इस बात को कि हम इस क्राइसिस के अंदर हैं लेकिन पाकिस्तान फिर भी इनसे निकल सकता है द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर दॉन्ग टर्म फैक्टर्स इकनॉमिक को जरूरत है कि वो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान को लेके चले और डिसाइड करे कि उन्होंने ये काम करना है In the short term, to manage the balance of payment, for an aid or deferred payment facility will be more convenient than IMF bailout. The government should also take into account increasing exports and reducing imports of less important commodities in the long term. The government should consider making investment in exploring natural resources, developing infrastructure, spending on human development and technology. हमें लॉन्ग टर्म प्लान में भी काम करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज पे ह्यूमन डेवलपमेंट पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और टेक्नोलॉजी पे अ न्यू डॉन ब्रिंग न्यू होप एंड एवरी सिटीजन होप्स दैट द गवर्नमेंट विल इनिशिएट अ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग सो दैट इन नियर फ्यूचर पाकिस्तान विल बी एबल टू स्टैंड हेड हेड टू विद द डिवेलप नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ये यही बात है एक होप दी गई है इसके अंदर कि अगर हम वाकई विद विल अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान को अच्छा बना के उन्हें इम्प्लीमेंट करवा सकें तो हम पाकिस्तान को डेवलप्ड नेशंस में शामिल करने में कामयाब हो सकते हैं